मम्मा। हाँ जी बेटा। आज आप मेरे साथ खेलोगे ना? तुम ऐसा करो ना नाना, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। मुझे ना भी शनाय के साथ पहले उसके नूडल्स बनाने, फिर उसके साथ थोड़ा सा खेलना है। मुझे आपके साथ खेलना है। बेटा मैं अभी शनाया दीदी को पढ़ा रही हूँ। वैसे कुछ ही दिनों से मैं भी नोटिस कर रही हूँ, मम्मा हमेशा सारा टाइम अपना शनाया को ही देती है। तुम अनन्या और सियान को अवॉइड कर रही हो। अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो गाइस ऐसे ही और मॉरल स्टोरीज, सस्पेंस स्टोरीज, कॉमेडी स्टोरीज देखना चाहते हो तो हमने आपके लिए नया चैनल बनाया है RS1313 स्टोरीज। गाइस आपको बहुत मजा आने वाला है, गो एंड सब्सक्राइब नाउ एंड एंजॉय। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मम्मा। हाँ जी बेटा। आज आप मेरे साथ खेलोगे ना? हाँ हाँ बेटा जरूर खेलूंगी, मैं बस आपके फेवरेट नूडल्स बना लूं और उसके बाद हम दोनों खूब खेलेंगे। ठीक है मम्मा। हाँ जी बेटा। मम्मा मुझे ना ये वाली चैप्टर में बहुत सारे डाउट्स हैं, तो मुझे अभी वो बैठ के एक बार क्लियर कर दो। अनन्या अभी मैं शनाय के लिए फेवरेट उसके नूडल्स बना रही हूँ, ये भी करते हैं। मम्मा आपने तो मेरे को कहा था आज आप मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओगे, मेरे फेवरेट वाले। अच्छा, अरे मैं भूल गई, कोई बात नहीं कल बना दूंगी। तुम ऐसा करो ना नाना, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। मुझे ना भी शनाय के साथ पहले उसके नूडल्स बनाने, फिर उसके साथ थोड़ा सा खेलना है। अरे मेरे साथ भी मेरे डाउट्स क्लियर करो। ऐसा करो ना, अपनी फ्रेंड को कॉल करके ना अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो। जाओ जाओ जाओ। लेटर। अरे क्या बात है भाई, बड़े मजे कर रहे हो दोनों बैठ के। पापा हमें तो बहुत मजा आ रहा है, हम इतनी देर से खेल रहे हैं। अरे क्या बात है, अरे ऐसा क्यों नहीं करते पुनीत, नाने और सियान को भी बुला लो। रमीक मैं अपना सारा टाइम शनाया को देना चाहती हूँ। चलो करो मजे करो तुम दोनों। Soon after. माँ देखो ना, ये वाला सवाल मेरे से सॉल्व ही नहीं हो रहा। मैं जब भी ट्राई करती हूँ आंसर गलत ही आता है, करेक्ट आ ही नहीं रहा। मुझे दिखाओ बेटा, मैं चेक करती हूँ। ओहो बेटा, आपने क्वेश्चन ही गलत उतारा है, पीछे माइनस है और देखो आप उसको प्लस कर रहे हो, इसीलिए गलत आ रहा है। ओहो मैंने तो सब गड़बड़ कर दिया, मेरे से कुछ भी ठीक से नहीं होता। नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं बोलते, आपसे सब कुछ ठीक होता है, बस थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है और कुछ नहीं। ओके मम्मा। जस्ट देन मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ। तो कुछ खेल लो ना बेटा। मुझे आपके साथ खेलना है। बेटा मैं अभी शनाया दीदी को पढ़ा रही हूँ, आप ऐसा करो ना अनन्या दीदी के साथ प्ले करो। जाओ जाओ। क्या हुआ सियान? मम्मा मेरे साथ नहीं खेल रही। पर क्यों? क्योंकि वो शनाया दीदी को पढ़ा रही है। हाँ वैसे कुछ ही दिनों से मैं भी नोटिस कर रही हूँ, मम्मा हमेशा सारा टाइम अपना शनाया को ही देती है, हर टाइम शनाया 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 शनाया। और वो हमारा फेवरेट खाना भी नहीं बनाती। हाँ और हमारी पढ़ाई में भी हेल्प नहीं करती, सारा टाइम शनाया को ही देखती रहती है। अब हम क्या करें भाई? मम्मा से बात करते हैं। चल। A few moments later. मम्मा। हाँ जी बेटा। हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो ना। मम्मा ना ही आप हमारी पढ़ाई में हेल्प करते हो और हमारे साथ खेलते भी नहीं हो और ना ही हमारे को टाइम देते हो, हम आपसे नाराज हैं। बेटा मुझे शनाया को भी तो टाइम देना होता है ना, पहले शनाया कितनी इग्नोर हुई है, कितना हमने उसके साथ गलत किया है, वो भी मेरी वजह से, मेरी गलती की वजह से। मैं दोबारा से ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती। मामा, मामा। शनाया मुझे बुला रही है, मैं एक मिनट उसको देख कर आती हूँ। लेट है।
हाँ जी बेटा। मम्मा ये देखो, मैंने ये वाला सब कर लिया और ये बिल्कुल ठीक हो गया इस बार। वेरी गुड बेटा। अच्छा शनाया, आप कह रहे थे ना आपको न्यू ड्रेस लेनी है, तो कल हम दोनों मॉल चलेंगे, आप अपनी न्यू ड्रेस ले लेना। ये, और मैं अपना फेवरेट डोनट भी खाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल खाना। मम्मा क्या हम भी आपके साथ मॉल चल सकते हैं? नहीं बेटा, कल सिर्फ मैं और शनाया ही जाएंगे, आप वीकेंड पे पापा के साथ जाना। नेक्स्ट मॉर्निंग रमनीत, हम लोग जा रहे हैं, शाम तक आएंगे। Just then. अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हेलो, मॉल नहीं जा पाए इसीलिए? नहीं पापा, वो बात नहीं है। तो क्या बात है मेरा बच्चा, उठना, उठ मेरे सुंदर, क्या बात है? पापा मम्मा ना कुछ दिनों से हमारे को टाइम ही नहीं दे रही है, हमेशा शनाया शनाया शनाया। हाँ जी पापा, ऐसे ही कर रही है वो। उस दिन मैंने मम्मा को बोला तो वो कहने लगी मैं पहले उसको टाइम ही देती थी, अब मैं उसको ज्यादा टाइम दूंगी। हाँ जी पापा, ये कोई बात हुई क्या? नहीं बेटा, ये तो कोई बात नहीं हुई, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं मम्मा से बात करूंगा, एक बार उनको आने दो और तुम ऐसे उदास मत बैठो, आओ हम खेलते हैं, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी पापा। Later. देखो ना रमनीक, शनाया का बैग कितना क्यूट है, हमें मॉल में इतना मजा आया, शनाया मैंने इतना एंजॉय किया, सबसे पहले हमने इतनी सारी शॉपिंग करी, शनाया की फेवरेट ड्रेस लेकर दी, शनाया को उसका यम्मी यम्मी फूड खिलाया, शनाया को झूले झुलाए और फिर बाद में शनाया ने अपना फेवरेट डोनट खाया। ओह माय गॉड शनाया। अरे पुनीत पुनीत, क्या हो गया? मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो ना। तुम पहले शनाया को अवॉइड कर रही थी, अब तुम शनाया को कॉम्पनसेट करने के लिए शनाया को ज्यादा ध्यान दे रही हो, और शनाया पे ज्यादा ध्यान देने की वजह से तुम अनान्या और सियान को अवॉइड कर रही हो। मैं अनान्या और सियान को अवॉइड कर रही हूँ? मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि मुझे शनाया के साथ टाइम स्पेंड करना है। पर शनाया के साथ टाइम स्पेंड करने का मतलब ये तो नहीं है कि तुम बाकी दोनों बच्चों को अवॉइड करने लग जाओ। तुमको पता है जब तुम दोनों मॉल जा रहे थे, हंस हंस के बाय कर रहे थे, तो वो दोनों बेचारे बच्चे तुम्हें देख रहे थे, इतने उदास हो गए थे, इतनी सी शक्ल हो गई थी उनकी, और तुम्हारे जाने के बाद वो बेचारे बेड पे लेटे रहे, कुछ भी नहीं खेल रहे थे। मैंने इतनी कोशिश करी, बड़ी मुश्किल से जाके उनको मैंने मनाया। ओहो रमनीक, ये मुझसे गलती हो गई, मुझे तीनों बच्चों में बैलेंस क्यों नहीं बनाना आया? नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अब जो हो गया सो हो गया। Soon after. I'm so sorry बच्चों, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब से मैं आप तीनों को इक्वल टाइम दूंगी। सच्ची मम्मा? हाँ बेटा। तो फिर हम खेलें? बिल्कुल खेलें, चलो। और उसके बाद मेरा होमवर्क भी करा देना। बिल्कुल करेंगे। और मम्मा उसके बाद आप मेरे साथ मेरा फेवरेट कार्टून भी देख लेना। बिल्कुल डन। सो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो गलती मुझसे हुई है आप लोग ना करें, आप लोग अपने बच्चों में कभी भी भेदभाव ना करें, क्योंकि सारे बच्चे इक्वल होते हैं, अपने बच्चों को इक्वल अटेंशन, इक्वल प्यार, इक्वल लव दीजिए। थैंक यू गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए। गाइस हमारे चैनल RS 1313 व्लॉग्स पे वीडियो हो चुका है लाइव, ओरियो आइसक्रीम होममेड।